बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 56 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड है, जो कि कहता है कि वो कौन कौन से केसेस हैं कि जिनमें स्टे ग्रांट नहीं किया जा सकता। अगर आप आज वाकई कुछ सीखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को शुरू से आखिर तक इंतहाई ध्यान से सुने, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी वक्त किसी भी केस में जाकर स्टे ले सकता है। इवन एक जो के लॉ स्टूडेंट नहीं है या वो बंदा जिसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है, उससे भी आप पूछेंगे तो वो कहेगा जी के मुझे आप दे, मैं जाकर स्टे ले ले तुम कोर्ट से। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है, या फिर कानूनी तौर पर भी बहुत सारे हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि स्टे हर एक केस में लिया जा सकता है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 56 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का और इसके साथ काफी सारी एनेबलिंग प्रोविजंस मौजूद हैं, जो कि ये एक लिमिटाइज करती हैं इस स्टे लेने के इंजंक्शन, जो हमारा टेम्पररी इंजंक्शन है इसको लेने का जो कॉन्सेप्ट है। तो आज हम कैटेगोरिकली देखेंगे कि वो कौन कौन से केसेस हैं कि जिनके अंदर टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी, या फिर एक पार्टी इंटाइटल्ड नहीं होगी अंडर द सर्कमस्टांसिस के वो कोई टेम्पररी इंजंक्शन या जिसको आम जबान में स्टे ऑर्डर कहते हैं वो ले सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 56 की लैंग्वेज है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। किन किन केसेस में ग्रांट नहीं की जा सकती? ए है टू स्टे अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजंक्शन इज सॉट। यानी कि एक सूट पहले से फाइल हुआ, ठीक है, और उसके अंदर किसी बंदे ने कोर्ट से इंजंक्शन मांग ली है। अब एक दूसरा बंदा आता है, वो क्या करता है कि वो एक और सूट फाइल कर देता है और वो कहते हैं जी कि वो पहले वाले बंदे ने जो सूट फाइल किया था उसको स्टे किया जाए। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट लॉ के अंदर मौजूद नहीं है। हर एक बंदा, उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने राइट को अवेल कर सकता है। ठीक है, हाँ, ये पॉसिबल है कि आप उसी सूट के अंदर जो पहले बंदे ने फाइल किया था उसको जाके आप कॉन्टेस्ट करें, उस जो उसने स्टे एप्लीकेशन या इंजंक्शन उसने जो भी मांगी है उसका प्रॉपरली जवाब दें, वहीं पर आप अपना आर्गुमेंट करें और कोर्ट को ये साबित करने की, समझाने की कोशिश करें कि इस सिचुएशन में इंजंक्शन लेने का वो बंदा अहल नहीं है। ठीक है, उसी दावे में तो ये मुमकिन है, ये नहीं हो सकता कि आप दावे के ऊपर दावा दायर कर दें और वहां पर कहें जी कि पहले वाली कोर्ट ने जो सूट वो चल रहा है, वो जो दावा चल रहा है उसको स्टे किया जाए। ठीक है, तो उसके हवाले से कोई भी इंजंक्शन या फिर आप स्टे के अलावा आप कहेंगे जी उनको कहेंगे ये दावा वापस ले लें या दूसरी कोर्ट को आप ऑर्डर कर दें कि भाई वो दावा ना चलाएं, वो सूट एंटरटेन ना करें, तो इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। सेक्शन 56 क्लॉज ए में ये बात बड़ी क्लियरली बता दी गई है। अगले हिस्से में वो कहता है अनलेस सच रिस्ट्रेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक बंदा क्या करता है कि वो पहले एक दावा दायर करता है, फिर वो दूसरा दावा दायर करता है, फिर वो तीसरा दावा दायर करता है। ठीक है, यानी एक ही कॉज ऑफ एक्शन है, एक ही पार्टी के खिलाफ वो दावा दायर करता आ रहा है और उसके अंदर जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटांशियली वही इन्वॉल्व है जो पहले वाले दावे में था। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए तो ठीक है, क्योंकि ये देखें मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग हो रही है। मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ सेक्शन 10 जो है सीपीसी का, जो कि रेस सब जुडिस की बात करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है ये तकरीबन वही है या उससे मिलता जुलता आप कह सकते हैं कि जहां पर ऐसा हो कि कोर्ट एक स्टे ग्रांट करे कि भाई वो फलां दावा नहीं चल सकता या ये जो सूट आपने फाइल किया है ये नहीं चल सकता, इसको हम स्टे कर देंगे, उसकी लॉजिकल रीजन ये हो सकती है कि उसी तरह का एक दावा पहले से किसी और कोर्ट में जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन भी है, ठीक है, रिलीफ ग्रांट करने की, वो दावा वहां पर चल रहा होगा। अगर तो इस चीज को आपने रोकना है दावा बराए दावा और एक ही तरह के दो तीन चार दावे, ठीक है, उसको रोकने के लिए तो इंजंक्शन कोई भी कोर्ट ग्रांट कर सकती है, लेकिन अदरवाइज जो मैंने पहली सिचुएशन बताई है वहां पर कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद क्लॉज बी में कहता है टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट।
इसका सिंपल मतलब ये होगा कि आप किसी ऊपर वाली कोर्ट में तो जा सकते हैं किसी नीचे वाली कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे करवाने के लिए, ठीक है, लेकिन आप किसी बराबर वाली कोर्ट में या फिर किसी नीचे वाली कोर्ट में नहीं जा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि भाई दो दावे हैं या दो प्रोसीडिंग्स हैं, पहली प्रोसीडिंग भी सिविल कोर्ट की, दूसरी प्रोसीडिंग भी सिविल कोर्ट की, तो आप दूसरी सिविल कोर्ट के अंदर जाके कहें कि जी पहली सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप रोक दें, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से एक जो है वो दावा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक या प्रोसीडिंग है कोई भी, और एक चीज चल रही है उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी सिविल कोर्ट में, तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप सिविल कोर्ट में चले जाएं और कहें कि जी आपसे बड़ी वाली जो अदालत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग को आप स्टे कर दें या उसके हवाले से कोई आप इंजंक्शन ग्रांट कर दें, ठीक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है अंडर द लॉ कि आप ऊपर वाली कोर्ट में जाएं, ठीक है, और ऊपर वाली कोर्ट में जाकर आप कहें कि जी नीचे वाली कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप स्टे कर दें, ये तो हमें लॉजिकल बात नजर आती है, ये पॉसिबल है। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, उनकी डिटेल में अभी फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आप बराबरी की कोर्ट से स्टे ले लें या फिर आप किसी नीचे वाली अदालत को जाकर ये कहें कि जी आपके जो सुपीरियर कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग को आप स्टे कर, ठीक है, तो ये भी कभी भी पॉसिबल नहीं है। मजीद आप इसको देखेंगे तो ये खुद से पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा ताकि कंफ्यूजन फिलहाल क्रिएट ना हो। ओके जी, उसके बाद है टू रिस्ट्रेंट पर्संस फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। अब एक बंदे का राइट है कि वो किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगेन मैं वही बात करूंगा, अगर आपने मुकाबला करना है तो आप उसी के उसी प्रोसीडिंग में जाकर, ठीक है, उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेट्स से कि एक बंदा आपके खिलाफ थाने में जाना चाहता है, ठीक है, आपसे वो एग्रीव्ड है, आपके खिलाफ वो एप्लीकेशन लेकर चला जाता है या जाना चाहता है। अब आप कोई कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर जाकर आप ये नहीं कह सकते जी कि फलां बंदे के खिलाफ आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू करें कि वो थाने के अंदर ना जाए मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लेके, ठीक है, या कोई और लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी, वो यूनियन काउंसिल हो सकती है, वो कोई और ऑफिस हो सकता है, वो कोई अदालत हो सकती है, वो कोई ट्राइब्यूनल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह का स्टे आप किसी भी बंदे के खिलाफ नहीं ले सकते या कोई भी ऐसी इंजंक्शन कोर्ट इशू नहीं करेगी किसी भी बंदे के खिलाफ, ठीक है। यहाँ पर जो इंजंक्शन का मीनिंग है वो हम जनरली लेंगे, ठीक हो गया, स्टे भी इसके अंदर आ जाता है और अदरवाइज की जो इंजंक्शन है, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डू और रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं ले सकते, चाहे वो टेम्पररी इंजंक्शन है चाहे वो परमानेंट है, तो यहां पर हम दोनों तरह की बात कर लेंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से क्लॉज डी कहता है टू इंटरफेयर विद द पब्लिक ड्यूटीज ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और विद द सॉवरन एक्ट्स ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। क्लॉज डी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा यूज होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी बंदा वो सूट फाइल करता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ, अब वहां पर कोर्ट्स आप ये कह लें कि लीस्ट इंटरेस्टेड होती हैं कि वो आपको फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर कोई इवन स्टे भी ग्रांट कर दे, कोई टेम्पररी इंजंक्शन भी आपको वो ग्रांट कर दे, ठीक है। हमेशा उसके अंदर वो ये करते हैं कि पहले नोटिस करते हैं। नॉर्मली तो हमने प्रैक्टिस ये बनाई हुई है या प्रैक्टिस ये चलती है कि आप पहले दिन गए, इसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप पहले दिन गए, ऑर्डर 39 रूल्स 1-2 की सीपीसी की एप्लीकेशन आपने अपने प्लेंट के साथ दावे के साथ अटैच की और पहले ही दिन आपको एड इंटरिम इंजंक्शन मिल जाता है, यानी कि नेक्स्ट डेट तक के लिए, उसी दिन आप जो है वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या स्टेटस को ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट डेट के ऊपर आप डिफेंडेंट को कॉल करते हैं, फिर आर्गुमेंट करके वो आपका जो स्टे है या वो स्टेटस को है वो कंफर्म होता है या फिर वो डिसमिस हो जाता है। तो गवर्नमेंट के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वहां पर कोर्ट्स ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा कि भाई एक अथॉरिटी है जो भी एक्स वाई जी अथॉरिटी वो कहती है जी कि हम आज ही आपका मकान गिरा देंगे, ठीक है। तो अब ये अदालतें इतनी भी सख्त नहीं होती कि वो कहें जी कि अच्छा अभी तो पता ही कुछ नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है,
तो हम इसको जो है वो स्टे ग्रांट नहीं करते, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो आके गिरा जाएंगे। और बाज़ूकात ये सिचुएशन भी होती है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो शो ऑफ पावर के लिए या फिर अपनी अथॉरिटी को मिसयूज और अब्यूज करते हुए किसी भी बंदे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह की जो डायर सिचुएशंस हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशंस हैं, वहां पर कोर्ट इस तरह से स्टेटस को ग्रांट कर भी देती है, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 56 क्लॉज डी है वो जनरल प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि कोई बंदा अगर अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है इन गुड फेथ, ठीक है, चाहे वो किसी फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से है, या फिर किसी फॉरेन गवर्नमेंट का कोई सॉवरन एक्ट है, ठीक है। फॉरेन गवर्नमेंट की फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको फेडरल और प्रोविंशियल में ही रखूंगा। तो वहां पर कोर्ट्स क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी कि वो फॉरेन से कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी, ठीक है। बल्कि कोर्ट जब आप टेम्पररी इंजंक्शन लेने भी जाते हैं तो पहले वो नोटिस करती है कि भाई नोटिस करें गवर्नमेंट के जो रेलेवेंट ऑफिशियल हैं या डिपार्टमेंट है, वहां से रेलेवेंट लोगों को बुलाएंगे, सुनेंगे, उसके बाद अगर आप सच्चे हुए तो फिर आप उस मीट के अंदर स्टेटस को या फिर अदरवाइज इंजंक्शन क्लेम करने के अहल होते, ठीक है जी। इसी तरीके से टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन एनी क्रिमिनल मैटर, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि सिविल प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं एक ही कॉज ऑफ एक्शन को लेके, और क्रिमिनल मैटर्स जो है वो अलग चलते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक चेक डिसऑनर होता है, आपने किसी बंदे से पैसे लेने थे, ठीक है, वो आपको एक चेक लिख देता है। चेक का जो मकसद है 489 FPPC में वो ये है कि फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन या फिर रिपेमेंट ऑफ अ लोन, किसी ने आपसे लोन लिया वो उसने वापस करना है, या फिर अदरवाइज कोई ऑब्लिगेशन थी उसके ऊपर किसी भी किस्म की, उसके हवाले से उसने पेमेंट करनी थी, वो उसने आपको चेक लिख के दे दिया, ठीक है। अब बैंक के अंदर जाते हैं, चेक डिसऑनर हो जाता है, चेक डिसऑनर होने की वजह से आप इन्वोक कर सकते हैं 489 F of PPC जो कि क्रिमिनल रेमेडी है। उसके अंदर आपको पैसे रिकवर नहीं होंगे FIR करवाने से, बल्कि आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप उसको सजा दिलवा सकते हैं। अगर आपने रिकवरी करनी है तो उसके लिए ऑर्डर 37 of CPC, उसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर मौजूद है, उसका आप दावा दायर करते हैं, सूट फॉर रिकवरी अंडर ऑर्डर 37 ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब ऑर्डर 37 वाला दावा आपका अलग चलता रहेगा, और जो आपने FIR करवाई चेक डिसऑनर होने पर वो आपकी अलग चलती रहेगी। आप कभी ये नहीं कर सकते कि आप कोई भी कोर्ट से इंजंक्शन ले लें, ठीक है, यानी लेट से कि वो बंदा जो मुलजिम है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ या जिसकी जिम्मेदारी बनती है, वो सिविल कोर्ट में आ जाए और वो ये आके कहना शुरू कर दे जी कि चूंकि इसने मेरे खिलाफ दावा दायर कर दिया रिकवरी का, इस वजह से आप जो क्रिमिनल मैटर मेरे खिलाफ चल रहा है जिसमें सजा होनी है उसको आप रोक दें। नो, ये पॉसिबल है कि वहां से उसको सजा हो जाए क्रिमिनल मैटर में, और यहां से कोर्ट उसको कह दे जी कि जितने पैसे आपने लिए हैं उतने आप वापस कर दें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी, अलग अलग चलेंगी, इंटरलिंक्ड बिल्कुल भी नहीं है, और किसी सिविल कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी क्रिमिनल मैटर की प्रोसीडिंग को स्टे कर सके। ओके जी, उसके बाद हम आते हैं क्लॉज एफ की तरफ, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ओके जी, अब ये आपको याद होना चाहिए सेक्शन 21 है इसी लॉ का, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, कि वो केसेस के जहां जो जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, वो चीजें या वो कॉन्ट्रैक्ट के जिनकी ब्रीच से, ठीक है, एक तो ये कि आप मॉनेटरी कंपनसेशन ले सकते हैं, जहां पर भी मॉनेटरी कंपनसेशन ओबटेनेबल है, यानी पैसे लेकर आपका जो नुकसान है वो पूरा हो जाएगा, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, उसके अंदर एक बहुत अच्छी मिसाल मौजूद है कि जहां पर आप अपनी पर्सनल सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होता। लेट से कि आप कॉन्ट्रैक्ट, आप क्या एक होटल है, ठीक है, आप एक सिंगर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आप सिर्फ हमारे लिए गाना गाएंगे और किसी के लिए आप गाना नहीं गाएंगे किसी और होटल में किसी और जगह पर, ठीक है, हम आपको अच्छे पैसे दे रहे हैं। वो क्या करता है कि वो एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 दिन आया, 20 दिन आया, उसने गाना गाया, आखिरी 10 दिन छोड़ दिए, यानी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दी।
अब आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है, आप किसी भी अदालत में जाकर ये नहीं कह सकते जी कि नहीं ये लाजमी गएगा हमारे लिए, क्यों, क्योंकि ये उसकी पर्सनल सर्विस है, पर्सनल सर्विस वाला लॉ ने मना किया हुआ है कि वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। हाँ, आप जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि जो वॉयलेशन करेगा वो फला फला को इतने डैमेजेस कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन पे करेगा, अब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपको वो मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्ड कर देगी लेकिन स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट आपको नहीं देगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच कुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो अब आप उस सिंगर के खिलाफ अदालत में जाते हैं, ठीक है, और आप जाकर अदालत से ये कहते हैं कि भाई इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से प्रिवेंट किया जाए, इसको रोका जाए कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट खराब ना करे या अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी वॉयलेशन ना करे। तो यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोर्ट आपको इस तरह की कोई इंजंक्शन उस बंदे के खिलाफ नहीं देगी, कोर्ट मैक्सिमम ये कहेगी कि जो आपका नुकसान हुआ है या अंडर द टर्म्स वॉयलेशन की वजह से जो आपकी मॉनेटरी कंपनसेशन बनती है वो आप ले लें, ठीक है, लेकिन हम उस बंदे को बाउंड नहीं कर सकते, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा तो ये उसकी मर्जी है क्योंकि इसका पर्सनल सर्विसेज में फॉल करता है, ठीक है। तो इस तरह के भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप नहीं ले सकते, कोर्ट से इंजंक्शन नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद है टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर टेक्निकल चीज ये है, सबसे पहले मैं न्यूसेंस का आपको थोड़ा सा बता देता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि न्यूसेंस दो तरह की है, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब ये कि यू आर इन योर प्रॉपर्टी एंड यू आर नॉट एबल टू एंजॉय इट, ठीक है, कोई बंदा जो है वो कोई गैसेस एमिट करता है, उसने कोई फैक्ट्री खोल रखी है जिससे कोई गैसेस आ रही हैं, कोई बंदा जो है वो ऊंची ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाता है, आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद है लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। अब एक होती है पब्लिक न्यूसेंस कि जो कि आपका जो पब्लिक राइट है, लेट्स से कि कोई बंदा रोड ब्लॉक कर जाता है, ठीक है, अब वो पब्लिक न्यूसेंस में फॉल करता है। अब एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जहां पर वो है तो पब्लिक न्यूसेंस है लेकिन आप उसको क्लेम कर रहे हैं। एक केस टॉर्ट के हवाले से मैं आपको यहाँ बताता चलूं ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अंदर ये होता है कि जी एक चर्च है, उसकी बेल बहुत जोर जोर से बजती है। अब उसके अंदर क्या होता है कि एक बंदा है उसी मोहल्ले में से या उसी सोसाइटी में से, वो चला जाता है कोर्ट में, ठीक है, तो कोर्ट उसको पूछती है कि भाई इतने सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आपको स्पेसिफिकली क्या मसला है कि आप कोर्ट में आ गए, ठीक है। अब ये केस का डिसीजन तो मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जहां पर आप कोई न्यूसेंस का ग्राउंड लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये न्यूसेंस है। और हाँ, अगर एक चीज है वो बाकियों को तो डिस्टर्ब नहीं कर रही लेकिन आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो ये चीज आपने साबित करनी है, ठीक है। तो अगर तो वो न्यूसेंस नहीं होगी, आप साबित नहीं कर पाएंगे, तो कोर्ट किसी किस्म की कोई इंजंक्शन नहीं देगी। अब इसी केस के अंदर रीजनेबल आपका ग्राउंड क्या हो सकता है कि भाई मेरी जो है ना कुव्वते समाअत दैट इज मोर सेंसिटिव देन दी अदर पीपल, या मुझे ये खास किस्म की बीमारी है जो दूसरों को नहीं है, तो इस वजह से मैं तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ, दूसरे नहीं हो रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बात समझ रहे हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कोर्ट के अंदर जाकर प्रेस कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद क्लॉज एच है टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द एप्लीकेंट हैज एक्विज्ड। ओके जी, एक्विजेंस का इसके अंदर ग्राउंड आ गया। एक्विजेंस का सिंपल मीनिंग आप ये ले सकते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेना, ठीक है, जिसे आप कहते हैं एक आपने मैगजीन भी, इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, डिले डिफीट्स एक्विटी। डिले डिफीट्स एक्विटी का मतलब ये है कि एक चीज, एक बंदा आपका राइट इंफ्रिंज कर रहा है आपके सामने और आप उसको चैलेंज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव इक्वीज्ड, आपने खामोशी इख्तियार कर ली। और खामोशी का मतलब क्या होता है, रजामंदी, ठीक है, ये निकाह वाली रजामंदी तो नहीं है लेकिन यहां पर भी मसला बन सकता है, ठीक है। अब इसका मिसाल क्या हो सकती है, टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच, एक बंदा है आपकी प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेता है, या फिर आप ये कह लें कि एक बंदा कंस्ट्रक्शन तो अपने प्लॉट पे करता है लेकिन
आपके प्लॉट के ऊपर उसने क्या किया कि इंक्रोचमेंट करी। अब इंक्रोचमेंट का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूइंग ब्रीच है, हर एक नए आने वाले दिन वो आपको एक नया कॉज ऑफ एक्शन देगी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल कंटिन्यूइंग ब्रीच, या फिर आप देख रहे हैं कि वो इंक्रोचमेंट करता आ रहा है, आप उसको उस टाइम नहीं रोकते हैं, उस टाइम आप उससे कोई बात नहीं करते हैं, आप एक्विजेंस ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि उसने अच्छी खासी इंक्रोचमेंट कर ली, या फिर आपकी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर उसने क्या किया कि एक इमारत खड़ी कर ली, बिल्डिंग खड़ी कर ली, उसके बाद आपको होश आता है कि नहीं मुझे तो इसको चैलेंज करना चाहिए, फिर आप चले जाते हैं कोर्ट के अंदर। अब इस सिचुएशन में कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगी, क्यों नहीं देगी कि क्योंकि यू हैव एक्विज्ड, ठीक है। अब आपका इतना बड़ा एरिया था, पहले दिन जब उसने पहली ईंट लगाई थी आपको तब कोर्ट में जाना चाहिए था, अब उसने एक ईंट क्या लगाई, उसने पूरी पूरी दीवारें खड़ी कर दी, इमारतें खड़ी कर दी, फिर आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो उस टाइम जाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि डिले डिफीट्स इक्विटी, जितना आप डिले करेंगे उतना आपको नुकसान है, ठीक है। और एक और भी मैक्सिम इसके साथ आता है, लॉ फेवर्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। लॉ उसको फेवर करता है जो कि विजिलेंट है, जो चुकन्ना है अपने राइट्स को लेने के लिए, ना कि वो बंदा जो कि सो गया, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपको कोई इंजंक्शन नहीं मिलेगी। ओके जी, उसके बाद क्लॉज आई है, व्हेन इक्वली एफिकेशियस रिलीफ कैन सर्टनली बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जहां पर इक्वली एफिकेशियस रिलीफ कोई भी बंदा ले सकता है, यानी जहां पर कोर्ट ये समझे कि इंजंक्शन की खास जरूरत नहीं है, कोई और रेमेडी कोर्ट आपको दे देगी इक्वली एफिकेशियस, तो वो आपके लिए काफी होगी। अगेन मैं बात करूंगा मॉनेटरी डैमेजेस की, क्योंकि समझना आसान है। अगर एक बंदा जो है वो क्या करता है कि आपको पैसे देने के लिए वो तैयार है, ठीक है, और आपका नुकसान इस किस्म का हुआ है कि पैसों से वो पूरा हो जाएगा, तो इस तरह की सिचुएशन में कोर्ट फिर इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी, ठीक है। एक हमारे पास सिचुएशन क्रिएट होती है, लेट से कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको ये कंस्ट्रक्शन करके देंगे, उसके बाद किसी भी वजह से आपने उनका काम कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो ठेका किसी और को दे देते, ठीक है। अब आप चले जाते हैं कोर्ट के अंदर, आप इंजंक्शन मांगते हैं कि भाई इसको रोका जाए कि किसी और को ठेका ना दे। अब ये केस बनता है इक्वली एफिकेशियस रिलीफ का कि भाई आपने जितना काम किया है उतने आप पैसे दे लें, और अगर उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लिए आप मॉनेटरी डैमेजेस या कंपनसेशन भी ले लें अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए इक्वली एफिकेशियस रिलीफ है, आपको इंजंक्शन की इसमें जरूरत नहीं है, आपका पैसों का नुकसान हुआ है ना, और क्या नुकसान है, वो आप पैसे ले लें एंड देन मूव ऑन, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको बताना चाह रहा है। हाँ, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंजंक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी सेक्रेट कॉन्सेप्ट अंडर द लॉ, और अगर ट्रस्ट को हम इजी लेना शुरू कर दें तो ये ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए आप इंजंक्शन ले सकते हैं कि भाई समवन इज गोइंग टू ब्रीच माई ट्रस्ट, हमें खदशा है कि वो ट्रस्ट को ब्रीच करने वाला है, ठीक है, तो उसको रोका जाए, तो वहां पर कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। ओके जी, अब आगे है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट्स हैज बीन सच एज टू डिसएंटाइटल, डिसएंटाइटल का मतलब कि जिसमें उसका कोई हक नहीं है, टू द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। अब यहां पर वो ये सिंपल लफ्जों में बताना चाह रहा है कि जहां पर जो एप्लीकेंट है, जो इंजंक्शन लेने आया है, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, और उस वजह से वो डिसएंटाइटल्ड है कि वो कोर्ट उसकी कोई मदद नहीं करेगी। इसके हवाले से भी मैं आपको मैक्सिम बता देता हूँ, एक तो वो था कि वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, और इससे ज्यादा जो एप्लीकेबल है, वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, यानी एक बंदा जो कि इंसाफ के लिए आया है तो ये ना हो कहीं कि उसने खुद ना इंसाफी की हो। एक बंदा इक्विटी क्लेम करने आया है और बाद में पता चले कि खुद वो सारी ज्यादती खुद की है उसने और फिर वो कोर्ट के अंदर आ गया, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि उसने भी फेयर प्ले नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर उसने खुद फेयर प्ले नहीं किया, खुद वो ज्यादती कर रहा है ऑलरेडी, खुद वो कोई वायलेशन कर रहा है लॉ की, तो वो कोर्ट के अंदर कैसे आके कोई चीज क्लेम कर सकता है।
इलस्ट्रेशन में पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी. ए सीक्स एन इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन हिज पार्टनर बी फ्रॉम रिसीविंग द पार्टनरशिप डेट्स एंड अफेक्ट्स. ठीक है, अब दो बंदे हैं ए और बी. अब ए क्या करता है, कोर्ट में चला जाता है बी के खिलाफ और कोर्ट से कहता है जी कि बी को मना किया जाए कि वो पार्टनरशिप डेट्स और अफेक्ट्स वगैरह के हवाले से कुछ भी रिसीव ना करे. इट अपीयर्स दैट ए हैड इम्प्रॉपरली पोजेस्ड हिमसेल्फ ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म. बाद में पता चला कि ए जो कोर्ट के अंदर आया है जो इंजंक्शन लेना चाहता है उसने खुद गलत तरीके से बुक फर्म की सारी बुक्स और सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखे हुए हैं और वो बी को विदाउट एनी कोजेंट रीजन रिफ्यूज कर रहा है कि भाई तुम नहीं देख सकते. ठीक है, तो चूंकि अब यहाँ पर ए का अपना कंडक्ट सही नहीं है तो कोर्ट इस सिचुएशन में इंजंक्शन नहीं देगी. इसी तरीके से ए मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स क्रूसिबल्स डेजिग्नेटिंग देम एज पेटेंट लंबैगो क्रूसिबल्स. अब इसमें कोई भी आप आइटम रख सकते हैं और उसने उसके साथ पेटेंट का नाम लगा दिया जी कि ये पेटेंटेड है, मतलब ये कि मैंने इसको पेटेंट करवाया हुआ है, मेरे अलावा ये फार्मूला कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता. दो इन फैक्ट दे हैव नेवर बीन पेटेंटेड. लेकिन अब ये ए ने झूठ बोला है, उसने कोई पेटेंट नहीं लिया. बी पायरेट्स द डेजिग्नेशन. ठीक है, या डिजाइन या जो भी फार्मूला है, बी क्या करता है कि इसको पायरेट कर लेता है, कॉपी कर लेता है. ए कैन नॉट ओपेन एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द पायरेसी. अब चूंकि ए ने खुद कोई पेटेंट नहीं लिया हुआ, उसका खुद कंडक्ट अच्छा नहीं है और उसने झूठ भी बोला हुआ है कि भाई मैंने पेटेंट लिया हुआ है, तो कोई और बंदा उसकी नकल उतारेगा या कॉपी करेगा तो फिर उसके हवाले से वो कोई भी इसी तरीके से नहीं ले सकता, कोई भी इंजंक्शन कोर्ट से नहीं ले सकता. इसी तरीके से ए सेल्स एन आर्टिकल कॉल्ड मैक्सिकन बॉम्ब स्टेटिंग दैट इट इज कंपाउंडेड ऑफ डाइवर्स रेयर एसेंसेस एंड हैज सॉवरन मेडिसिनल क्वालिटीज. यानी बड़ी अच्छी किस्म की एक बॉम है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं. बी कमेंसेस टू सेल अ सिमिलर आर्टिकल टू विच ही गिव्स अ नेम एंड डिस्क्रिप्शन सच एज टू लीड पीपल इनटू द बिलीफ दैट दे आर बाइंग ए मैक्सिकन बॉम. ठीक हो गया. अब बी भी उसी तरह का फार्मूला बनाकर उसी तरह की मेडिसिन सेल करना शुरू कर देता है और लोगों को ये लगता है कि ये भी मैक्सिकन बाम की तरह है. ए सूज बी फॉर एन इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन द सेल. ए क्या करता है, वो कहता है चूंकि मैंने पहले बेचना शुरू की थी, मैंने ये नाम रखा था मैक्सिकन बाम, तो इस वजह से बी तो इसको सेल नहीं कर सकता. बी शोज दैट एज मैक्सिकन बाम कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट सेंटेड हॉग्स लार्ड. अब उसने ये कह दिया जी, बी ये जाकर कह देता है जी कि ये खुद भी झूठ बोल रहा है, ये कोई मैक्सिकन बाम नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो इसने यहाँ पर बताए हुए हैं, लोगों को झूठ बोल के ये बेचता जा रहा है. एज यूज ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन इज नॉट एन ऑनेस्ट वन एंड ही कैन नॉट ऑब्टेन एन इंजंक्शन. तो चूंकि ए खुद ईमानदारी से नहीं बेच रहा तो फिर वो बी के खिलाफ भी इंजंक्शन नहीं ले सकता. ठीक है, तो ये बेसिकली सारी चीज यहाँ पर आ जाएगी, इसमें इंजंक्शन नहीं ली जा सकती. लास्ट हमारे पास मौजूद है वेयर द एप्लीकेंट हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर. वेरी वेरी सिंपल, इसमें हजारों सिचुएशंस आ सकती हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है. सिंपल ये कि जहां पर जो एप्लीकेंट है, जो इंजंक्शन लेना चाह रहा है कोर्ट से, उसका किसी किस्म का कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर मैटर के अंदर मौजूद नहीं है, तो सिंपल ये चीज आ जाएगी. जहां पर उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है वहां पर भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी. तो उम्मीद है आज काफी लेंथी और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था, बट दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको कुछ ना कुछ बता पाया होऊंगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.